आजमगढ़ जिले में एक गिरोह जो नाबालिग बच्चों के माध्यम से शॉपिंग मॉल, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व भीड़भाड़ वाले इलाके में चोरी करवाता है। इस गिरोह के एक बच्चे को आज स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब गिरोह के सरगना की तलाश में लगी है। पूरा मामला बताते चले कि आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के रहने वाले सचिन पांडेय नामक युवक की मोबाइल कुछ दिन पूर्व चोरी हो गई थी। स्थानीय सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसने चोर का फोटो निकलवाया और उसकी तलाश में अपने साथ ही कई लोगों को लगा दिया। आज एक मोबाइल की दुकान का उद्घाटन था और वहां सचिन पूरी तरह सक्रिय था और जैसे ही नाबालिग चोर वहां पहुंचा और मोबाइल चोरी का प्रयास किया, उसे धर दबोचा गया। पकड़े गए चोर को लेकर सिधारी थाने पर पहुंचे, जहां उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने बताया कि वह झारखंड का रहने वाला है और उसके साथ आधा दर्जन बच्चे और है जो झारखंड के ही है। इनका भैया जो इनको संचालित करता है रोज शाम को मिलता है और इनसे मोबाइल लेकर उसके एवज में इन्हें 150 रुपया देता है। वही इस मामले में एसपी सिटी सुभाष चंद्र गंगवार का कहना है कि एक चोर को पब्लिक ने पकड़ा है और पब्लिक से तहरीर ली जा रही है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। जो फिर से चोरी करता है, झोला देता, मोबाइल निकाल लेता है। भैया को नरोली माता ले जाता है, 5-6 ढेर जगह लोग चोरी कर लिया, ढेर जगह 3-4 लोग है झारखंड के। ये पूरी सक्रिय गिरोह है, इनकी जो है 12-13 साल की इनकी उम्र है, बच्चे हैं 12-13 साल से लेके 17-18 साल तक के बच्चे हैं। और ये 21 तारीख को हमारी मोबाइल यहीं सिधारी से जो है इन्होंने साफ की और सीसीटीवी की मदद से, एक निजी संस्थान की दुकान है, उनकी दुकान से सीसीटीवी से फुटेज से हमने प्रिंट आउट निकाला और प्रिंट आउट निकालने के बाद हमने अपने जानने पहचान वाले लोगों को हमने उसको दे दिया और हम तब से इसके पीछे लगे हुए थे। कल की डेट में ये एक नई दुकान खुली हुई है वहाँ पर, जहाँ उद्घाटन था कल के दिन, तो वो जैसे ही वहाँ पर ये हम वहाँ पे पहले से नज़र लगाए हुए थे और जैसे ही वो वहाँ पहुँचा और जैसे ही उसने मोबाइल मारी, पीछे से हमने उसको पकड़ा। ये इन्होंने कबूला है कि ये लगभग 100-150 मोबाइल लोगों की पार कर चुके हैं। ये झारखंड बताते हैं कि इनका घर रहने वाले झारखंड के हैं और लेकिन इनकी यहाँ सक्रिय गिरोह है। नहीं, ये बात अभी संज्ञान में आई है, पब्लिक के लोगों ने एक बच्चे को पकड़ा है जो झारखंड का रहने वाला है। उसका ये कहना है कि हम लोग 4-5 लोग हैं और माल उल में जाकर हम लोग मोबाइल चोरी का काम करते हैं। इसमें पब्लिक की तरफ से ही ये मिला है, इसमें तहरीर ले रहे हैं जनता से और इसमें जो भी बनेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।